नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं अररिया लाइव। अररिया लाइव में आप सभी का स्वागत है। अररिया जिला के चीरा पंचायत ग्राम कलकलिया जिला अररिया थाना महलगांव वार्ड नंबर 13 में हुई दो पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर झगड़ा, जिसमें एक पक्ष के चार लोग हॉस्पिटलाइज अररिया सदर अस्पताल में चल रही है इलाज में, जिसमें चार लोग हुए घायल। चंदन विश्वास, इंदल विश्वास, रुदल विश्वास, देवजौनी देवी, फूलो देवी हुए घायल। घायल पीड़ित व्यक्ति का कहना है कि मेरे घर में आग भी लगा दिया गया। आइए देखते हैं पीड़ित परिजन ने क्या कहा। अररिया लाइव के लिए अररिया से चंदन कुमार की खास रिपोर्ट। धन्यवाद चंदन जी कि आप जो हॉस्पिटल में यहाँ एडमिट है, जितने भी पेशेंट लोग के साथ मारपीट हुआ है, तो टाउन थाना में ओटीपी गया है, नगर टाउन थाना, अररिया नगर टाउन थाना, अररिया नगर थाना, तो वहाँ से क्या आश्वासन मिला आपको, क्या कहे प्रभारी वहाँ से? वहाँ कहा कि जाएगा महलगांव थाना, महलगांव थाना ट्रांसफर किया जाएगा, ये केस थाना जाएगा, ठीक, वहाँ से फिर देखा जाएगा पुलिस। मतलब फर्ज बयान आपका वहीं हुआ, अररिया टाउन थाना, टाउन थाना, चलिए ठीक। और उसे मारने मुड़ने की तुम लोग को जान मार देंगे, क्या करोगे, हमको बहुत पैसा है, तुमको पैसा हम पुलिस वाले को हम खरीद लेंगे, ऐसा ऐसा बात बोल रहे थे। हम कहे चलो कोई बात नहीं, हम गरीब लोग हैं तो मार भी खाए, कुछ भी किए, हम सिर फोड़ दिए, आप लोग हम जा रहे हैं, आप हॉस्पिटल आए इसी की इलाज करवाए। टाउन थाना जो गए थे, टाउन थाना से प्रभारी साहब बोले कि जाइए आप पहले इलाज करिए। हाँ, इलाज करिए, वहाँ आवेदन भी दिए, वो बोला कि जाएगा माल। हॉस्पिटल से ओटीपी गया? हाँ, ओटीपी गया, फर्ज बयान हो गया, हो गया। चलिए धन्यवाद। क्या नाम हुआ अभी आपका? चंदन विश्वास। चंदन विश्वास, कहाँ के रहने वाले हैं आप जी? कहाँ के रहने वाले हैं आप? घर मेरा कलकली है। कलकली, वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 14। कौन सा पंचायत? आपके मुखिया जी कौन है? साहिब। मामला क्या है जो आपके साथ मारपीट हुआ है? मारपीट यही हुआ है कि जैसे जमीन का मामला था। हाँ। जब हमारा घर बनाया हुआ था मेरा बूढ़े पापा के। अच्छा। उसमें हम गए थे कि उन लोग आग लगा दिया। हम इसीलिए बोले कि भाई ऐसा काम क्यों करते हैं, किसी को बर्बादी क्यों करते हैं, जो भी बात है पहले तो इसका रजिस्ट्री था मेरे बूढ़े पापा के, बाद में तुम किया, इसका तो कोई समाधान निकालो, बैठ के घर में आग नहीं लगाओ। वो बोला कि जैसे इधर उधर कीजिएगा तो आग में फेंक दूंगा मैं। ठीक। हम ऐसे भागने को वहाँ से कोशिश किए, उसका पास था सरिया था, कत्ता था, भाला था, ये सब सामान था उसका साथ। हमको डर लग गया, हम भागने लग गए, उसके बाद वो पीछे से मार दिया हमको सरिया से। कितने लोग घायल हैं आप लोग? अभी तो चार लोग घायल है, बाकी लोग की चोट लगा है। कौन लोग घायल है, नाम बताइए। एक हम घायल है, हमारा नाम चंदन है, एक इंदल घायल है, वो जो महिला है, महिला मेरा बड़ा मम्मी है, ये बड़े मम्मी है। हाँ। तीन आदमी घायल है। हाँ। वो भी घायल और है। वो भी घायल है। फूलो देवी, इनका नाम क्या है? फूलो देवी। फूलो देवी। हाँ। तो पहले से भी कई जमीनी विवाद को लेकर कई झगड़ा भी हुआ करता था क्या पहले से कभी? ऐसे तो थोड़ा बहुत कभी कभी होता था, ये बीच में अभी जो पहले भी हुआ था थोड़ा बहुत, वो तो शांति हो गया। जो आज जो हुआ ना, आज सुबह जो आग लगाया हम बोले तो इसी में वो लड़े मार सब, मतलब घर में भी आग लगा दिया गया, घर में लगा दिया। कौन लोग लगाया? वही लोग लगाया। नाम बताइए। नाम वो जुगन लगाया, कीर्ति था उसका लड़का था, बबलू था, रिंकू था, शंकर था, बिजला था, और वो सिंह जुगन का दामाद वो था पेचली वाले। तो ये जो मारपीट आपके साथ हुआ हॉस्पिटल में, अभी आप लोग एडमिट हैं, तो थाना प्रभारी को आपने सूचना दिया? थाना प्रभारी को सूचना दिए हैं, लिखित आवेदन दिए हैं अभी तक? लिखित दिए हैं आवेदन, अब देखते हैं थाना प्रभारी क्या करते हैं, हमारा सब हिसाब क्या करते हैं, गरीब आदमी है हम सब। नहीं, लिखित आवेदन अभी दिए हैं कि देने वाले हैं ये बताइए? आवेदन दे दिए। क्या आश्वासन दिए वहाँ से थाना प्रभारी, क्या बोले? पहले इलाज कराइए, उसके बाद जांच पड़ताल किया जाएगा। हाँ, पहले इलाज करवाइए हॉस्पिटल में। चलिए ठीक।